हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और आज आपके लिए लेकर आई हूँ 0 से लेकर 2 से 4 साल तक के बच्चों का कैप का मेज़रमेंट। तो ये जो मैं कैप का मेज़रमेंट बताऊँगी वो आपके एवरेज बेबीज जो होती हैं, जिनकी ग्रोथ होती है, उनके लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो कैप का या स्वेटर आप बना रहे हो, जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो आप इसमें ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो मैं आपको स्टेप्स के साथ में बताऊंगी कि कितने फंदे लेने हैं, कितना लंबा बनाना है। तो उस हिसाब से आप अपनी कैप आप इजीली बना सकते हो। ये मेथड आपका स्वेटर में भी लागू होगा, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके 1 इंच में कितने फंदे आ रहे हैं, 1 इंच में कितनी रोज़ आ रही हैं, तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आपके पास कोई भी मेज़रिंग टेप हो आप वो ले लीजिए, और आप जिस भी ऊन से आप कैप बनाना चाहते हैं उसका एक छोटा सा सैंपल तैयार कर लीजिए, ताकि 1 इंच 2 इंच चौड़ा, 2 इंच लंबा, इस तरीके आप करके देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक पुराना स्वेटर यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ इसमें कि 1 इंच में कितने फंदे हैं, कितनी रोज़ आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर देखिए ये इंची टेप इस तरीके से रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे। देखिए जो ये वाली, देखिए जो रोज़ शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है, ये वाली आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये हमारा रहा 1 इंच। तो चलिए देख लेते हैं कि 1 इंच में हमारे पास कितनी रोज़ आ रही हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करें आप या यहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं यहाँ पर ये देखिए यहाँ से शुरू से स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1 इंच में फंदे हमारे हुए 6। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 इंच में, क्योंकि हमें कैप ऊपर लंबाई में भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि हमारी लेंथ 1 इंच में कितनी सलाइयाँ आएंगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये ग्रे वाले फंदे मैं नाप रही हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिए, ऐसे मैं इसको पूरा ऐसे रख देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर प्रॉपर देखें तो ये 8 हैं, ठीक है, 8 सिलाइयाँ ये यहाँ पर आपकी आ जा रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता चला है, ये जो मैं यार्न यहाँ पे जो दिख रहा है उसमें 8 सिलाइयाँ आप बनाएंगे तो 1 इंच होगा, और 6 फंदे होंगे आपके 1 इंच में। तो कोई भी कैप आप बनाएं या जो भी बनाएं, तो सबसे पहले आप एक सैंपल तैयार कर लें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि हमें मेज़रमेंट कैसे लेना है, किसी के लिए भी आप साइज़ में बनाएं। इवन आप, मैं यहाँ पर वीडियो में बच्चों का बता रही हूँ, तो आप बड़ों का भी आप इसी तरीके से यही मेथड लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक डॉल में आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो सर्कमफ्रेंस होता है वो आप पीछे से देखिए, इस तरीके से देखिए ऐसे, या आप इंची टेप ले लीजिए और इसको देखिए ऐसे नाप लीजिए, ये देखिए आपका ये 15 कुछ आ रहा है। तो आप 15 यहाँ पर राउंड फिगर आप लेकर चलिए, या फिर आप 16 नाप कर चलिए। तो मैं यहाँ पर ये 15 इंच, ये आपका सर्कमफ्रेंस आया है, ठीक है, सर का। तो 15 इंच आया है। हम जानते हैं कि हमारे पास 1 इंच में 6 फंदे आए थे, तो अगर हम डॉल के लिए बनाकर देखें तो हमें यहाँ पर 15 × 6 = 90 फंदे हम यहाँ पर डालेंगे, 90 फंदे, ठीक है, 15 इंच के लिए। तो अब देखिए, हमें कैप लंबा कितना बनाना है ये भी देखना है। तो यहाँ से जहाँ जितना भी लंबा आप चाहें, तो मैं यहाँ पे देखिए कान से ले लूँगी, ऐसे नापूँगी, देखिए कान के पास, देखिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे होल्ड किया, और आप यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से ले जाइए और दूसरे कान तक देखिए, ये आपका 11 आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इसका जस्ट हाफ, तो यहाँ पर देखिए करीब 5.5 आप मान लीजिए आपका सेंटर में आया है। तो उस हिसाब से हम अपनी
जो रोज हैं हमारी कितनी सलाइयाँ आई हैं तो उसका उसमें गुणा कर देंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक इंच में हमारे पास फंदे कितने आए हैं। 6 स्लोप्स एक इंच में आए हैं। एक इंच में कितनी रोज आई हैं, तो 8 या 9 रोज आप देख लीजिए। ठीक है, जैसा भी आपका आए। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमने मेज़रमेंट लिया था, मैं उसी हिसाब से आपको देखिए बता देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, तो जो मेज़रमेंट हमने डॉल का मेज़रमेंट लिया था, तो उसको देखिए, जो हमने डॉल का मेज़रमेंट लिया था, देखिए सर्कम फ्रेंस कितना था, 15 इंच आया था। ठीक है, और ईयर टू ईयर लेंथ जो था वो हमारा 11 इंच आया था। ठीक है, तो इसको हम हाफ कर देंगे तो 11 का हाफ हुआ 5.5 इंचेस। ओके, ये देखिए। तो अब देखिए इसको हमें कैसा करना है कि जो हमें जो मेन फॉर्मूला है, आप किसी भी साइज़ में कैप बनाएं, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, जो मतलब सर्कमफ्रेंस से मतलब जो आपने गोल नापा है वो इंचेस में हमने सारे मेज़रमेंट लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, इंचेस में मेज़रमेंट गुणा एक इंच में कितने फंदे आए हैं वो देखिए। तो एस स्टिचेस पर इंच, ठीक है, ये हो गया। बराबर में यहाँ पर आएगा आपके फंदे कितने लेने हैं। ठीक है, ये जो है ये आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सर्कमफ्रेंस हमारा था 15। ठीक है, स्टिचेस कितने आए थे हमारे पास यहाँ पर, 6। फंदे कितने हम डालेंगे, 90 लूप्स। 90 लूप्स किसके लिए डालेंगे, जिसका भी सर्कमफ्रेंस हमारे पास 15 इंच आया है। आप देखिए लेंथ हमने कैसे, लेंथ हमारे पास कान से लेकर कान तक का लेंथ हमने नापा था, या जितना भी लंबा आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप रखिए। तो ये आया था 5.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेंथ 5.5 इंच आया था। तो यहाँ पर अब हम इसको देखें तो हमें पता है कि हमारी एक इंच में जो रोज थी, एक इंच जो रोज थी वो थी 8 या फिर 9। ठीक है, जैसा भी आए। तो आप देखिए यहाँ पर हम 8 लेकर चल रहे हैं, तो 5.5 इंटू ये एक इंच में सलाइयाँ कितनी आई हैं, तो 8 हम डाल लेते हैं। तो देखिए ये और ये 44, 44 सलाइयाँ हमें यहाँ पर बनाएंगे, ये बिल्कुल फिक्स आएगा। और बाकी आपको इसके बाद में जो जितना भी लंबा बनाना हो वो आप अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो था ये मेन था, इतना पोर्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जो ये चीज़ है ये आप स्वेटर पे भी आप बनाएं तो उसमें भी देख सकते हैं कि एक इंच में कितनी रोज कितने जो भी आ रहा है, तो उस हिसाब से आप करके देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें किस साइज़ के लिए, ये मैं आपको एवरेज बेबी हेड मेज़रमेंट बता रही हूँ, तो कितना लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर हम सबसे पहला देखेंगे प्री मैच्योर बेबी, मीन्स प्री मैच्योर बेबी का। तो अगर उनका सर्कमफ्रेंस यहाँ पर 9 इंच है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर 4 इंच लंबा बनाएंगे। ठीक है, लेंथ ये आपकी कान से लेकर सर तक की लेंथ हुई। देखिए प्रीमेच्योर हमने कर लिया है। नंबर 2 पे आता है न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी को देखिए, तो उनका जो सर्कमफ्रेंस अगर आप नापें
तो अगर मान लीजिए 11 इंच आता है तो हमें इसको 5 इंच लंबा बनाना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये आपका मेन होगा, और इसके ऊपर आप जितना लंबा बनाना चाहें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो आप उसको बना सकते हैं। नंबर 3 पे आता है 0 से 3 मंथ बेबी का हेड, ठीक है। तो इसका लेंथ जो सर्कमफ्रेंस है जिसको हमने गोलाई में नापा था तो 13 इंच है, तो हम यहाँ पर 6 इंच लंबा बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पर 3 महीने से 6 महीने के बच्चे का सर। यहाँ पर देखिए, अगर उसका हेड का लेंथ जो है सर्कमफ्रेंस 16 इंच है तो यहाँ पर हम 7 इंच बनाएंगे। बाकी देखिए, सभी का ऊन अलग अलग होता है, तो आप सबसे पहले एक सैंपल बना लेंगे और वहाँ पर आप देख लीजिए जो मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे कैसे इसको करना है, तो आप उसको आइडिया आपको लग जाएगा। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एक चार्ट बना रही हूँ तो आप इससे भी आइडिया ले सकते हो, ठीक है। नंबर 5 पे आता है 6 मंथ से 9 मंथ के बेबी के लिए कैप का साइज़, ठीक है। हेड सर्कमफ्रेंस 18 इंचेस, ये देखिए 18 इंच हुआ, और यहाँ पर हम बनाएंगे जो लंबाई है वो होगी हमारी 7.5 इंच, ठीक। नेक्स्ट है हमारा नंबर 6 पे 1 ईयर बेबी का या फिर 12 मंथ्स 1 ईयर, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 20 इंचेस, ठीक है, लंबाई होगी हमारी 8 इंच इस तरीके से। और सबसे लास्ट में है हमारा 2 से लेकर 4 साल के बच्चों का हेड सर्कमफ्रेंस 21 बाकी आप नाप लेंगे, जैसा मैंने वीडियो में बताया है आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे, आपका कैप नहीं गलत होगा और लंबाई अपने अकॉर्डिंग। तो इसका देखिए जो लंबाई हम बनाएंगे ये 8.5 इंच बनेगी, ठीक है। तो ये आपके एवरेज बेबी हेड मेजरमेंट्स थे। तो आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से आप फॉलो कीजिए, आपका कैप बिल्कुल भी गलत नहीं बनेगा, लेकिन यार्न सबका अलग होता है तो बेस्ट है आप सबसे पहले एक छोटा सा सैंपल तैयार कर लें। अगर आप केबल वाला डिज़ाइन का कोई भी बना रहे हैं जो डिज़ाइन खिंचती है, तो सबसे पहले आप उस डिज़ाइन का एक सैंपल तैयार करें, फिर आप देखें कि आपके 1 इंच में कितना फंदे आ रहे हैं, कितनी रोज़ आ रही हैं, क्योंकि केबल या फिर जो खिंचने वाली डिज़ाइन होती है उसका पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये आपके सीधे फंदों में मेज़रमेंट्स बताया था, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।